आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अब से कुछ ही देर में। उनके साथ 6 और मंत्री भी शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हो रहा है। तारीख 14 फरवरी 2014। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के की सरकार त्याग दी। 49 दिनों तक सरकार बनाने के बाद सरकार से तौबा कर ली, लेकिन ठीक एक साल बाद तारीख 14 जनवरी 2015 जनता ने मानो अरविंद केजरीवाल की इच्छा पूरी कर दी। सरकार छोड़ने के ठीक एक साल बाद अरविंद केजरीवाल आज शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मानो वक्त का पहिया घूमकर फिर वहीं पहुंच गया है। जिंदगी में दूसरा मौका मिलना हैरानी होती है और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल समेत पूरे देश को हैरान कर दिया। एक बार फिर रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल का राज तिलक होगा। रामलीला मैदान एक बार फिर देश की सियासत में अजीब करवट का गवाह बनेगा। फेरी, क्या नाम है इनका? फेरी फेरी। इस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल का गेटअप देना क्या रिसेंबल करता है? ये आपको शायद याद होगा, 10th को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल सर के घर में जाके इसी ने विश किया था और इसको हम लोग फिर मतलब फुल डे जहाँ जहाँ आपका कौन सा पटेल नगर भी गए थे और वहाँ पे जाके हम शुरू से ही जहाँ भी जाते हैं हमेशा इसको इस तरीके से ड्रेसअप करके, और शायद आपने देखा भी हो उस दिन केजरीवाल सर ने मतलब इसका पोस्ट व्हाट्सएप मतलब उस पर किया था फेसबुक पे, और इसको काफी अच्छा है, अच्छा लगता है केजरीवाल सर को फॉलो करना। पूरे नेता जो लोग जहाँ खड़े हैं वो वॉलंटियर मीडिया से इंटरेक्शन ना करें। दूसरा बीच का हिस्सा नवीन जैन के टीम का इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सीधा रामलीला मैदान की हैं, जहां लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनने आए हैं। यहां दूर दूर से लोग जो हैं पहुंचे हैं और काफ़ी भीड़ जो है यहां उमड़ी दिखाई दे रही है। इससे पहले आप देख रहे थे अरविंद केजरीवाल का एक नन्ना सा फैन, जिसने अरविंद केजरीवाल की ही तरह खुद को बनाया हुआ था, अरविंद केजरीवाल की तरह ही मफलर लिया हुआ था उन्होंने, और साथ ही साथ उनकी आम आदमी पार्टी की टोपी भी पहनी हुई थी। और इसी के चलते अब बीच में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां भारी मात्रा में जो है लोग रामलीला मैदान में यहां इकट्ठा हुए हैं। रामलीला मैदान में आज राज तिलक होगा अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ, जहाँ एक साल 2014 में जो है अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की थी, और ठीक वही टाइम फिर से दोहराया, वही जो है सिलसिला एक बार फिर से दोहराया जाएगा आज के दिन 14 फरवरी 2015 को। तो चलिए आइए अब जरा नजर डालते हैं कि कुमार विश्वास का क्या कहना है। आज शपथ के बाद अग्निपथ पर चलना है साथी, और दिल्ली की आंखों में सपने सा ढलना है साथी। तो दिल्ली की आंखों में जो सपने उसे लेकर उतरे हैं उन्हें वो पूरी शक्तिमत्ता के साथ वो और पूरा मंत्रिमंडल उसे पूरा करे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत ज्यादा है इसीलिए ज्यादा शक्ति और ज्यादा समर्थन और ज्यादा प्रेरणा के साथ काम करें। तो ये थे कुमार विश्वास जो कह रहे थे आज शपथ के बाद चलना है साथी। और इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग जो हैं इस वक्त रामलीला मैदान में पहुंच गए हैं, जो आज अरविंद केजरीवाल को यहां पर शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल भी बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंच रहे होंगे। इस बार जो है एक सियासत में रंग अलग देखा गया है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल जो हैं
पहुंच गए हैं, पूरी भीड़ के बीच में है अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, इससे पहले बताया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टरों का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ठीक टाइम पर पूरे 12 बजे के करीब जो है वो रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं रामलीला मैदान में पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं रामलीला मैदान से, जहां अरविंद केजरीवाल जो हैं आगे बढ़ रहे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए, वो बिल्कुल तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से मौका दिया है, और ये मौका अब इस बार जो है अरविंद केजरीवाल पूरा जी जान लगाएंगे अपने इस मौके के साथ, और लोगों का जो है विश्वास जीतने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के चलते इस बार दिल्ली के लोगों ने दिल खोलकर वोट डाले, 67 सीटों के साथ जो है आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली, और विपक्ष में भी बैठने के लिए कोई पार्टी यहाँ दिखाई नहीं दी। और ये समागम रामलीला मैदान में आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग भी जो हैं यहां पहुंच गए हैं। करीब करीब 1 लाख के करीब जो हैं समर्थक रामलीला मैदान में हैं, और ये अरविंद केजरीवाल जो हैं मंच पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मंच पर खड़े होकर मैदान में बैठे लोगों का समर्थन किया और हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया, और उसी के चलते लोगों ने भी उन्हें काफ़ी गर्मजोशी से जो है इसका जवाब दिया। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि भीड़ जो है काफ़ी उमड़ यहाँ चुकी है। राष्ट्रपति श्री अरविंद केजरीवाल को जब को उस तारीख से जब वे अपने पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं।
राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीखों से मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब वह अपने पद की शपथ लेंगे। श्री मनीष सिसोदिया, श्री असीम अहमद खान, श्री संदीप कुमार, श्री सत्येंद्र जैन, श्री गोपाल राय तथा श्री जितेंद्र सिंह तोमर। फाइल संख्या U110131/1/2015 UTL हस्ताक्षर राकेश सिंह संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से और ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी जो है शपथ ग्रहण की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने उन्हें ये शपथ ग्रहण करवाई है और इसी के चलते रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुशी की लहर जो है यहाँ देखने को मिल रही है और अब बारी शुरू होती है बाकी के पार्टी के मेम्बर्स की जो यहाँ पर अब शपथ लेंगे।
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा गोपनीयता की शपथ। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा श्री असीम अहमद खान। मैं आसिम अहमद खान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा गोपनीयता की शपथ। मैं आसिम अहमद खान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा श्री संदीप कुमार। मैं संदीप कुमार
ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में, मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात, तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं संदीप कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में, तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा, संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सत्येंद्र जैन। मैं सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में, मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक, मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में, तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा, संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गोपाल राय।
मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जितेंद्र सिंह तोमर। मैं जितेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता। मैं जितेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अब मैं सभी अतिथियों से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूँ। साल के बाद फिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है, आम आदमी की सरकार बनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, 8 सीटों की कमी रह गई थी। इस बार दिल्ली की जनता ने और ऊपर वाले ने वो कमी पूरी कर दी और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, मुझे यह तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। सत्तर में से 67 सीटें, दोस्तों जिस दिन नतीजे आ रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है। हर धर्म के लोगों ने आम आदमी को वोट दिया, हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, ईसाइयों ने वोट दिया, सिखों ने वोट दिया, जैनियों ने वोट दिया, हर जाति के लोगों ने वोट दिया, गरीबों ने खूब जम के वोट दिया, अमीरों ने भी वोट दिया। 70 में से 67 सीटें, ये किसी इंसान के काम की वजह से नहीं हो सकता, ये तो कुदरती करिश्मा है। दोस्तों, कुदरत ने कोई करिश्मा किया है, ऊपर वाला कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, हमें यह समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले की मंशा क्या है, ऊपर वाला क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, ऊपर वाला कोई बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है, ऊपर वाले की कोई बहुत बड़ी मंशा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल माध्यम हैं, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं
कि ऊपर वाले ने हमें अपना निमित्त चुना, ऊपर वाले ने हमें अपना माध्यम चुना। लेकिन दोस्तों, जब इतनी बड़ी जीत मिलती है, जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तो इंसान के मन में अहंकार जागता है, और अगर अहंकार जागता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए हम सब लोगों को, मुझे, हमारे मंत्रियों को, हमारे सभी MLAs को, हम सब के परिवारों को, हम सब कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। बार बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं जाग गया। क्योंकि अगर अहंकार जाग गया तो हम कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस मिशन को हम लोग लेके चले हैं। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं TV पे सुन रहा हूं, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं अब हम यहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम वहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम 5 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे, अब हम 10 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार नजर आ रहा है मुझे। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कांग्रेस को लोगों ने क्यों हराया था? क्योंकि कांग्रेस के अंदर अहंकार आ गया। वही भारतीय जनता पार्टी जिसको मई के महीने में लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया, आज भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने क्यों हराया? क्योंकि BJP के अंदर अहंकार आ गया। पिछले साल हम लोगों को 28 सीटें मिली, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर भी अहंकार आ गया, और हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे, और भगवान ने हमें हमारे अहंकार की सजा दी, और लोकसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया। उससे हमें सबक लेना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने तो तय किया है, भगवान ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास कुछ लोग आए, कुछ डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि कभी कभी टोपी पहन के कुछ लोग आते हैं और हमारे अस्पताल में गुंडागर्दी करते हैं। मेरा एक निवेदन है, मुझे पूरा यकीन है हमारे कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के, अपने परिवार का त्याग करके बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ विपक्षी लोग हमारी टोपियां पहन के हमें बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन कोई भी हो, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता भी अहंकार में आके गुंडागर्दी करता है, या दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति हमारी टोपी पहन के करता है, गलत काम करता है, मैं आज यहां से सभी अधिकारियों को, सभी पुलिस वालों को यह निर्देश देना चाहता हूं कि अगर कोई टोपी पहन के गुंडागर्दी करे, उसको बख्शना मत, तुरंत पकड़ के उसको जेल में डाल देना। वो आम आदमी पार्टी का हो ही नहीं सकता, और जितनी सजा कानून में लिखी है उसको उससे दुगनी सजा देना। दोस्तों,
मुझे याद है अन्ना आंदोलन के दौरान हम लोग खूब नारे लगाया करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन मन के कोने में संशय होता था कि यार ये भारत भ्रष्टाचार मुक्त वाकई हो सकता है क्या। हम लोग लोकपाल बिल की मांग किया करते थे, कभी कभी मन में लगता था लोकपाल बिल भी आ गया तो क्या सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन की सरकार में आज हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि दिल्ली से रिश्वतखोरी तो खत्म हो गई थी। पिछली बार सरकार बनाने के पहले हमारे अंदर जज्बा था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, पागलपन था कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। लेकिन 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। दिल्ली को भारत का सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है दोस्तों, और हम कर सकते हैं। और इसके लिए आज मैं वही घोषणा करने जा रहा हूं जो मैंने 28 दिसंबर 2013 को यहीं से की थी कि अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे मना मत करना। सेटिंग कर लेना, अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी वही टेलीफोन लाइन शुरू करने वाले हैं जिस टेलीफोन लाइन से 49 दिन की सरकार के दौरान भ्रष्टाचारी घबराने लगे थे। और दूसरा जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने और हम सब लोगों ने मिलके इसी रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन किया था, जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल भी पास करना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल पास करेंगे, लेकिन मैं मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं। मैं गाड़ी से उतरता हूं तो माइक लगा देते हैं, कितने घंटों में करोगे जी, 24 घंटों में करोगे कि 72 घंटों में करोगे? 30 घंटों में करोगे कि 32 घंटों में करोगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं जी, सरकार ऐसे नहीं चलती। जितने दिनों में दूसरी पार्टियां कर सकती हैं, दूसरी पार्टियों ने तो 65 साल में नहीं किया। हम आपको जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन एक एक काम ठोस करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। मैं आज इतना आपको वादा करता हूं, 24 घंटे काम करेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम, मैं, मेरे मंत्री, मेरे एमएलए 24 घंटे काम करेंगे। अभी तो मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी, जैसे ही नतीजे आए हम लोग काम के ऊपर लग गए। मुझे बुखार था, आज भी क्रोसिन खा के आया हूं यहां पे। लेकिन अपने तन मन धन की परवाह किए बिना 24 घंटे हम लोग काम करेंगे। लेकिन मीडिया के साथियों से यही अनुरोध है कि ये घंटों में सरकार मत चलाइएगा, दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के अंदर कुछ घटनाएं घटी जिससे सारी दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में।
धर्मों के बीच में कुछ दंगे कराने की कोशिश की गई, कुछ चर्च, एक चर्च को आग लगा दी गई, कुछ चर्च हैं जिनके ऊपर हमले किए गए। दिल्ली के लोग शांति प्रिय हैं। पिछले 35 साल में दिल्ली में इस किस्म की कभी हम लोगों ने घटनाएं नहीं देखी। दिल्ली के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी दिल्ली के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, हम सब लोग मिलके दिवाली भी मनाते हैं, हम सब लोग मिलके ईद भी मनाते हैं, हम सब लोग मिलके क्रिसमस भी मनाते हैं, हम सब लोग मिलके सारे त्योहार मनाते हैं, और हम सब लोग मिलके भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। उन सारी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं जो इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं कि इस किस्म की राजनीति बंद कीजिए, दिल्ली के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलके दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसमें हर हिंदू सुरक्षित महसूस कर सके, हर मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर क्रिश्चियन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर सिख अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर धर्म, हर जाति का लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मैं अभी प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गया था। प्रधानमंत्री जी को मैंने यही कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन चाहते हैं, सकारात्मक सहयोग चाहते हैं, हम केंद्र सरकार के हर अच्छे काम में सहयोग देंगे, और हम यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलके दिल्ली को एक अच्छा और बेहतर शहर बनाने की कोशिश करे। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के हर मैनिफेस्टो में, हर चुनाव के पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ती रही। लोकसभा चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी को यही कहा कि भगवान इससे सुनहरा मौका नहीं दे सकता। दिल्ली के अंदर हमारा पूर्ण बहुमत है, केंद्र के अंदर आपका पूर्ण बहुमत है। अगर मैं और आप, हम दोनों ये बात मान लें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। मैं तो तैयार हूं, और मुझे उम्मीद है ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पे उनके पास बहुत काम रहते हैं, बहुत बिजी हैं, पूरे देश के बारे में उनको सोचना होता है, विदेशों में भी कई बार जाना होता है, तो दिल्ली के अंदर जब घटनाएं घटती हैं, जब बलात्कार होते हैं, जब अपराध के लिए अपराध बढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि दिल्ली के लिए वो समय दे सकें। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली वालों पे छोड़ दीजिए, आप पूरे देश को चलाइए, पूरे देश ने आपको। तो दोस्तों, ये आम आदमी की सरकार सबकी सरकार है, चाहे आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया। मैं आप सबका मुख्यमंत्री हूं। उन 3 विधानसभाओं जिनके अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है, हम उन 3 को भी अपना विधायक मानते हैं। हम उस किस्म की राजनीति नहीं करेंगे। मैंने देखा है चुनाव के बाद कुछ पार्टियां बैठ के बूथ की एनालिसिस करती हैं, इस बूथ से हमें वोट नहीं आए, इस बूथ से हमारे लिए पूरी दिल्ली हमारा बूथ है। जी, पूरी दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, सब लोगों को मिलके दिल्ली बदलनी है। और 2 शब्द
व्यापारियों के लिए। दिल्ली के व्यापारियों ने इस चुनाव में बहुत सहयोग दिया। अब एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, सरकार चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। मैं आप सब लोगों से, दिल्ली के सभी व्यापारियों से, सभी लोगों से आज मैं ये वादा करता हूं कि आपको कोई भी विभाग आके तंग नहीं करेगा, कोई भी विभाग आके आपसे पैसे नहीं लेगा। आप खुल के धंधा अपना बिजनेस करो, हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, हम चाहते हैं कि उद्योग बढ़े, लेकिन अपना सब लोग अपनी इच्छा से पूरा पूरा टैक्स भर देना। और मैं ये वादा करता हूँ, हो सकता है अभी तक जो आप टैक्स देते थे वो टैक्स में से कुछ पैसा चोरी हो जाता था, अब कम से कम आप जो एक एक पाई दोगे आपके पैसे को मैं चोरी नहीं होने दूंगा। आपके दिए हुए टैक्स की एक एक पाई को आपके बच्चों की शिक्षा पे लगाएंगे, अस्पतालों पे लगाएंगे, सड़कों पे लगाएंगे, आपकी मार्केट को ठीक करेंगे, पार्किंग बनाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बिजली पानी ठीक करेंगे, एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे। इसलिए दिल खोल के टैक्स दीजिएगा। मैं 49 दिन में मैंने एक चीज सीखी थी, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है जी, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाले आते हैं तो इसी पैसे में खूब विकास हो सकता है। जब से हमारी सरकार को बहुमत मिला है, जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, किसी ने कहा भाई साहब आपने 20 कॉलेज बनाने के लिए बोला है, 3 कॉलेज बनाने का पैसा मैं दूंगा। किसी ने कहा कि भाई साहब फलाने फलाने जगह स्कूल बनवा दो, उसकी जमीन मैं दूंगा। किसी ने कहा कि भाई साहब 1000 सीसीटीवी कैमरे मैं दूंगा सरकार के लिए। दोस्तों मैंने तो एक ही चीज सीखी है, इस देश की जनता बहुत अच्छी है, जनता को गले लगा लो, जनता अपना विकास खुद ही कर लेगी। दोस्तों हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं, ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं जी। आप खुद ही बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के ऊपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो और सारी सड़क 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए, या आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए? मुझे पता चला है कई यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। हम ऐसा कल्चर क्यों नहीं ला सकते? समय लगेगा, उसी की एक शुरुआत हमने 49 दिन में की थी, जब हमने कहा कि कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली की, दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। लेकिन फिर से मेरा मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, इसका मजाक मत उड़ाओ। हम कहते हैं हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, मीडिया वाले कहते हैं देखो इन्होंने गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, गाड़ी। अरे गाड़ी नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे बताओ, बिना गाड़ी के मंत्री काम कैसे करेंगे? खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।